हेलो एवरी वन डीयर स्टूडेंट टूडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन चैप्टर ऑफ बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर बुक्स फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथेमेटिक्स देखिए डियर स्टूडेंट इसमें हमारे पास एक तो प्रोडक्ट करेंगे हम एक क्वेश्चन डिफेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे होगा हमारे पास हमारे पास टू टर्म्स होंगी उसको हम लेट करेंगे यू और वी उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास यू एज इट इज डेरीवेशन ऑफ वी प्लस वी एज इट इज़ और यू का डेरीवेशन ठीक है जैसे हमारे पास मान लो टू इक्वेशन है यहाँ पर एक्स स्क्र प्लस फोर और ये है फ़ाइव एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स तो इसको हम यू मान लेते हैं इसको वी ये एज इट इज़ इसका डेरीवेशन प्लस ठीक है इन टू डेरीवेशन ऑफ फ़ाइव एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स फिर प्लस ये एज इट इज़ वी फाइव एक्स क्यू प्लस सिक्स एक्स और डेरीवेशन हो जाएगा हमारे पास एक्स की पावर फोर प्लस एक्स का अब आप देखो आपके पास है एक्स के पावर फोर प्लस एक्स फाइव एक्स क्यूब का डेरिवेशन क्या होगा हमारे पास फाइव एज इट इज़ एक्स क्यूब का क्या होगा थ्री एक्स क्यूअर तो फिफ्टीन एक्स क्यूर प्लस सिक्स प्लस फाइव एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स एज इट इज़ और यहाँ से हो जाएगा फोर एक्स क्यूब प्लस वन जब हमारे पास ये होगा तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई करके जैसे फिफ्टीन एक्स के पास सिक्स फिर ये आ गया सिक्स एक्स के पास फोर एक्स से मल्टीप्लाई किया फिर एक्स की सिक्स से की ऐसी ही फाइव एक्स क्यूब की पहले फोर एक्स क्यूब से की फिर वन से की सिक्स एक्स की की पहले फोर एक्स क्यूब से और सिक्स एक्स से फिर सबको इकट्ठा कर लिया हमने कंबाइन किया ये आंसर हो गया फिर हमारे पास है डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोशेंट कोशेंट मतलब डिवाइड में ठीक है डिविजन में कैसे होगा यू बाई वी उसका फॉर्मूला क्या है जो अपोन में है उसका स्क्वेयर वी स्क्वेयर ठीक है अपोन में रखेंगे और डेरिवेशन कैसे निकालेंगे हम वी एज इट इज़ नीचे वाले को जो हमने जिसका स्क्वेयर किया हुआ है डिनोमिनेटर का वी एज इट इज़ इंटू डेरी डी वाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर आप देखिए कैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्र माइनस वन अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन है तो एक्स स्वयर प्लस वन का होल स्क्र एक्स स्वेयर प्लस वन एज इट इज़ और इसका डेरिवेशन हम लेंगे टू एक्स माइनस जीरो हो गया फिर माइनस का साइन होगा देखो उसमें प्लस साइन होता है इसमें माइनस का साइन होगा एक्स स्क्र माइनस वन एज इट इज़ और एक्स स्क्र प्लस वन का हो जाएगा टू एक्स प्लस वन हमारे पास फिर हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके टू एक्स क्यूब ये जीरो हो गया इसको करने की ज़रूरत नहीं एक्स स्क्र की टू एक्स क्यूब से फिर इससे करेंगे सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन होल स्केयर अब देखिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है एक्सक्र प्लस वन टू एक्स क्यू प्लस वन तो हमारे पास दो एक को हमने यू मान लिया एक को वी माना अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है चाहे आप किसी को भी रख लो इसको एज इट इज़ उसका डेरीवेशन प्लस उसको एज इट इज़ इसका डेरीवेशन ठीक है एक बार एक को एज इट इज रखना पड़ेगा हमें दूसरे का डेरीवेशन अब हमने यू को एज इट इज रखा एक्सक्र प्लस वन इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ वी टू एक्स क्यू प्लस वन प्लस टू एक्स क्यूब प्लस वन एज इट इज़ इसका डेरीवेशन हो गया एक्स स्क्र प्लस वन ठीक है तो यहाँ पर एक्स स्क्र प्लस वन टू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा हमारे पास टू एज इट इज़ एक्स क्यूब का थ्री एक्स क्यूअब वन का होता है ज़ीरो प्लस टू एक्स क्यूब प्लस वन एज इट इज़ एक्स स्क्र का हो गया टू एक्स ये हो गया जीरो तो हमने एक्स स्क्र प्लस वन यहाँ से आ गया सिक्स एक्स क्यूब यहाँ से आया प्लस टू एक्स क्यूब प्लस वन टू एक्स अब इसकी इससे मल्टीप्लाई की पहले फिर वन से की फिर टू एक्स क्यूब की टू एक्स से फिर वन की टू एक्स से तो पावर फोर वाले ले लिया सिक्स और फोर टेन एक्स पावर फोर सिक्स एक्स क्यूब प्लस टू एक्स फिर हमने इसमें से टू एक्स कॉमन लिया ये बन गया फाइव एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन दैट विल बी द आंसर नाउ नेक्स्ट इज वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स इन एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स देखो एक तो मेथड होता है तो हमें दिख रहा है कि यू वी लगाना है इस एक्सरसाइज में अदरवाइज ज़रूरी नहीं है पहले आप इनको सोल्व भी कर सकते हैं एक्स की मल्टीप्लाई इससे कर लो वन बाई एक्स इससे करके लास्ट में सिंपल भी सोल्व कर सकते हैं बट हम इसमें यू वी ही लगा रहे हैं ठीक है जैसे लास्ट एक्सरसाइज में किया था वैसे भी सोल्व कर सकते हो आप अब किया हमने एक्स प्लस वन बाई एक्स एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ़ इस टर्म का प्लस ये टर्म एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस अब मैंने साथ के साथ डी बाई डी एक्स ये लिखा तो रूट एक्स को लिख दिया एक्स की पावर वन बाय टू और वन अपॉन रूट एक्स को लिख दिया माइनस वन बाय टू इसकी पावर अब इसमें जो लिखा एक्स एज इट इज़ ये वन बाय एक्स को क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस वन आप देखो एक्स प्लस वन बाय एक्स तो एज इट इज़ है डी बाई डी एक्स इसका करना था हमें इसका क्या आया वन बाय टू इंटू एक्स की पावर वन बाय टू माइनस वन का मीनिंग है माइनस वन बाय टू माइनस इसका क्या हो जाएगा वन बाई टू एक्स की पावर माइनस वन बाय टू माइनस वन का मतलब क्या है एक्स की पावर थ्री बाय टू रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स एक्स का क्या हो जाएगा वन माइनस इसका क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब अब क्या किया हमने इसको सॉल्व करके लिखा वन बाय टू इसको क्या लिख सकते हैं माइनस में है पावर अपॉन में आ जाएगा रूट माइनस थ्री बाय टू का मीनिंग टू एक्स की पावर एक्स रूट एक्स प्लस ये एज इट इज़ है हमारे पास रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स यहाँ से वन माइनस वन बाय एक्स अब हम क्या करेंगे इसकी एक्स के अंदर सबसे मल्टीप्लाई फिर वन बाय एक्स से मल्टीप्लाई जब मैंने इसकी x से मल्टीप्लाई की तो ये आया x अपॉन टू रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन टू एक्स रूट एक्स यहाँ से आया प्लस टू एक्स रूट एक्स माइनस वन अपॉन दिस प्लस दिस 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 दस ये सब कुछ आ गया हमारे पास ये करने के बाद जो कट रहा था सिर्फ इसमें से x के साथ x कट रहा है ऊपर ठीक है उसके बाद क्या किया हमने यहाँ से जो बच गया देखो यहाँ से क्या बचेगा x अपॉन टू ये वन बाई टू है इसकी पावर इसकी वन है इसके रूट एक्स कट गया अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं हम ये भी कर सकते हैं ना रूट एक्स इन टू रूट एक्स लिख सकते हैं और ये हो गया टू रूट एक्स ये कट हो गया रूट एक्स बाय टू बच जाएगा यही हमारे पास बचा रूट एक्स बाय टू यहाँ से बचा ये वाला प्लस टू एक्स रूट एक्स अच्छा ये लिखना भूल गए शायद ये बाद में लिखा है वन अपॉन टू रूट एक्स अब हमारे पास है यहाँ से बचा माइनस टू एक्स के रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन एक्स क्योर प्लस वन बाय रूट एक्स प्लस माइनस वन बाय एक्स क्योर रूट एक्स और ये आ गया माइनस वन बाय टू रूट एक्स ये वाला रूट एक्स है ये ठीक है यहाँ लिख दिया ये यह वाला यहाँ स्किप हो गया होगा अब देखो इसमें से हमने क्या किया रूट एक्स रूट एक्स वाले इकट्ठे कर ले कम्बाइन रूट एक्स बाय टू प्लस रूट एक्स फिर यहाँ पर हमारे पास वन हमने इसको किया माइनस वन बाय टू एक्स क्यूर रूट एक्स एक्स रूट एक्स वालों को किया और एक ये रहा माइनस एक्स रूट एक्स प्लस ये है हमारे पास वन बाई टू एक्स रूट एक्स यहाँ से भी हमने क्या किया एक्स वालों को देखा अगर नहीं है तो उसको छोड़ दिया फिर है माइनस रूट एक्स अपॉन एक्स क्य प्लस ये हमारे पास है वन अपॉन रूट एक्स और ये एक एरा माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स आप देखो इसमें से टू एलसीएम आ गया हमारे पास तो ये आया रूट एक्स प्लस टू रूट एक्स माइनस इसमें से टू एक्स क्यूर रूट एक्स को एलसीएम आ गया यहाँ बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा वन प्लस टू हो गया प्लस इन दोनों में से हमारे पास देखो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है बच्चों क्यों है ये पावर ऊपर अगर हम नीचे माइनस कर दें हाफ माइनस करेंगे वो भी एक्स रूट एक्स ही बन जाएगा ठीक है ये दोनों को ऐसे ही लिखा टू रूट एक्स माइनस ये रूट एक्स से इसको कट करके एक्स रूट एक्स लिख दिया माइनस यहाँ से इन दोनों में इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो वो टू रूट एक्स आ गया यहाँ लिया है ये बन गया वन माइनस टू और यहाँ से भी इसका एल्शियम टू एक्स रूट एक्स वन माइनस टू बन गया अब हमारे पास क्या बना ये बन गया थ्री रूट टू एक्स यहाँ से बना वन और टू थ्री अपॉन टू एक्स के रूट एक्स यहाँ से बना हमारे पास माइनस वन अपॉन टू एक्स रूट एक्स यहाँ से भी माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स यह आपस में इनको बस ये भी हमारा आंसर है नहीं तो हम इसको लिखना है तो जैसे एक्स के रूट एक्स का मतलब क्या है टू में आप वन बाई टू प्लस करोगे ये वाली पावर फाइव बाई टू हो जाएगा ऐसे ही वन में वन बाय टू थ्री बाय टू हो जाएगा रूट एक्स दैट विल बी द आंसर नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स इसमें क्या देखते थ्री टर्म्स है ठीक है हमने क्या किया पहले इसकी एक की मल्टीप्लाई कर लिया अंदर एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स और ये है हमारे पास फिर डिफ्रेंशिएट किया u एज इट इज v का डेरीवेशन प्लस v एज इट इज u का डेरीवेशन हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स यहां से एक्स बन गया टू एक्स और एक्स का बन गया प्लस वन एक्स स्क् प्लस एक्स है यहां से बन गया टू एक्स माइनस थ्री अब क्या किया हमने इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी इसमें इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी ठीक है सिंपली मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व किया लास्ट में हमारा कॉमन आ गया टू एक्स ये बन गया टू एक्सर माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री ये हमारा आंसर आ जाएगा नेक्स्ट से लेट वाईज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन वन बाय थ्री है और एक्स प्लस वन तो हमने इसमें डिफ्रेंशिएट किया यू इसको यू मान लिया इसको वी माना एक को तो यू एज इट इज वी का डेरीवेशन प्लस v एज इट इज़ u का डेरीवेशन जो हमारे पास है टू एक्स प्लस वन रेस्ट पा वन बाय थ्री एक्स प्लस वन का एक्स का क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स प्लस वन एज इट इज़ इसका क्या बन जाएगा वन बाय थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन वन बाय थ्री माइनस वन इन इसका दोबारा से करेंगे इसका क्या आ जाएगा दोबारा से टू ठीक है तो हमारे पास फिर आ गया इनको सॉल्व करके टू एक्स प्लस वन रिज पन बाय थ्री प्लस टू बाय थ्री एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस वन माइनस टू बाय थ्री बन गया अब देखो इन दोनों में से छोटा कौन सा है टू एक्स प्लस वन रेस्ट पा वन बाय थ्री या माइनस टू बाई थ्री माइनस टू बाय थ्री क्योंकि हमने इसमें से वन माइनस किया हुआ है यहाँ पर हमने बाहर कॉमन ले लिया टू एक्स प्लस वन माइनस टू बाई थ्री यहाँ से बच गया टू एक्स प्लस वन ठीक है एक पावर बच जाएगी अब हमारे पास है यहाँ आ गया टू बाय थ्री ये एक्स प्लस वन बच गया ये तो बाहर कॉमन ही आ गया था हमारे पास फिर टू एक्स प्लस वन रेस्टा माइनस टू बाय थ्री यहाँ से हमने थ्री एल्शियम ले लिया ये बना सिक्स एक्स प्लस थ्री प्लस दस टू से मल्टीप्लाई कर दिया टू एक्स प्लस टू इसको सिक्स और टू एट एक्स हो गया थ्री और टू फाइव डिवाइड थ्री या फिर इसको माइनस वाले को पॉजिटिव करना हो ऐसे भी हम आंसर लिख सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स पार्ट वाई हमारे पास गिवन एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इन टू एक्स क्यू माइनस टू एक इसको यू माना इसको वी यू एज इट इज़ वी का डेरिवेशन प्लस वी एज इट इज़ यू का डेरिवेशन तो एक्स स्वयर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव एक्स क्यूब का क्या बन जाएगा थ्री एक्स क्यूर प्लस एक्स क्यूब माइनस टू इसका क्या बन जाएगा हमारे पास टू एक्स माइनस फोर अब इनकी मल्टीप्लाई कर दिया आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया ये हमारा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है हमारे पास सेवेंथ पार्ट है इसका वाई इजिकल टू एक्स प्लस वन क्यूब थ्री एक्स प्लस वन रेस्ट पावर फाइव इसमें भी सेम है डिफेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स देखो एक्स प्लस वन क्यूब एज इट इज़ इसका डेरिवेशन प्लस ये एज इट इज़ इसका डेरिवेशन अब देखो ये तो एज इट इज़ है इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा फाइव आगे एन एक्स एन माइनस वन थ्री एक्स प्लस वन पावर फाइव माइनस वन फोर हो गया इन टू इसके साथ अगर एक्स के साथ कुछ भी है उसका दोबारा से होगा इन टू थ्री अब यहाँ से अगर हम देखें थ्री एक्स प्लस वन पावर फाइव इंटू इसका क्या हो जाएगा थ्री आगे एक्स प्लस वन का होल स्केयर एक्स के साथ इसमें कुछ नहीं है इन वन है तो लिखने की नीड नहीं है हमें अब हमारे पास क्या हुआ फाइव थ्री जब फिफ्टीन एक्स प्लस वन क्यूब ये होगा थ्री एक्स प्लस वन रेस्ट पावर फोर प्लस यहाँ पर थ्री बाहर ले आए थ्री एक्स प्लस वन रेस्ट पावर फाइव इंटू एक्स प्लस वन होल स्केयर अब देखो एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन इसमें भी है इसमें टू है इसमें थ्री है तो टू कॉमन आ जाएगा थ्री एक्स प्लस वन इसमें भी है इसमें भी इसमें इसकी पावर फोर है इसमें फाइव है फोर वाला कॉमन आ जाए क्योंकि स्मॉलेस्ट ही हम कॉमन ले सकते हैं बचा क्या यहाँ से फिफ्टीन बच गया ठीक है वैसे थ्री भी कॉमन था अगर लेना हो फिफ्टीन और यहाँ से क्या बचा एक्स प्लस वन प्लस यहाँ से बचा थ्री थ्री एक्स प्लस फाइव यहाँ पर ये बाहर कॉमन फिफ्टीन से मल्टीप्लाई कर दी फिफ्टीन एक्स प्लस फिफ्टीन थ्री थ्री नाइन एक्स प्लस थ्री ये आ गया हमारे पास फिर हमारे पास ये आया ट्वेंटी फोर एक्स प्लस एटीन इन दोनों को प्लस करके इसको प्लस करके अब इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया सिक्स सिक्स कॉमन लिया तो ये बच गया फोर एक्स प्लस थ्री नेक्स्ट ए सी का एट पार्ट लेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस व ए रेस्ट टू पावर एम इन टू एक्स प्लस बी रेस टू पावर एन पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको हमने यू लेट किया इसको वी लेट करेंगे यू एज इट इज़ वी का डेरिवेशन प्लस वी एज इट इज़ यू का डेरिवेशन अब एक्स प्लस ए रेस्ट पावर एम एज इट इज़ एक्स प्लस बी रेस्ट पावर एन का क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन एक्स के साथ कुछ नहीं है इन टू वन लिख सकते हैं प्लस एक्स प्लस बी रेस्ट पावर एन इन टू इसका क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस ए रेस्ट पावर एम माइनस वन अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे प्लस ए रेस्ट पावर एम इसमें है इसमें है प्लस ए रेस्ट पावर एम माइनस वन जो स्मॉलेस्ट है एम माइनस वन पावर वो कॉमन आ जाएगी एक्स प्लस ए रेस्ट पावर एम माइनस वन ऐसे ही इसमें एक्स प्लस बी एक एन माइनस वन है एक एन है तो एन माइनस वन ही हमारा कॉमन आ सकता है ठीक है यहाँ से बच गया एन इंटू एक्स प्लस ए रेस्ट पावर एम सॉरी ए बच गया क्योंकि एन एम माइनस वन तो बाहर कॉमन ले लिया था प्लस एम एक्स प्लस बी ठीक है एन की एक्स से मल्टीप्लाई की एन एक्स प्लस एन ई प्लस एम एक्स प्लस एम बी अब देखो एक्स एक्स वाले जो थे ना यहाँ पर इनमें से हम एक्स कॉमन ले लेंगे जब इसमें से कॉमन आ जाएगा बाकी सब कुछ सेम एम प्लस एन बच गया ये है प्लस ए एन प्लस बी ये हमारा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है हमारे पास नाइन्थ पार्ट वाई इजिकल टू पी एक्स प्लस क्यू फिर है आर अपॉन एक्स प्लस एस अब देखो इसमें भी यही है यू वी लगाएंगे यू एज इट इज़ वी का डेरियेशन प्लस वी एज इट इज यू का डेरिएशन पी एक्स प्लस क्यों हो गया आर अपोन एक्स देखो इसका आर अपोन एक्स का मीनिंग क्या है आर अपोन एक्स का मीनिंग है हमारे पास आर इंटू एक्स की पावर माइनस वन ठीक है अब एक्स की पावर माइनस आर तो कॉन्स्टेंट है ये तो एज इट इज रहेगा इसका डेरियेशन लेना है माइनस वन इंटू एक्स की पावर माइनस वन माइनस वन तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्र तो माइनस आर अपॉन एक्स स्क्र आ गया इसका तो एस का क्या हो गया ज़ीरो प्लस आर अपॉन एक्स प्लस एक्स एज इट इज़ और इसका क्या हो जाएगा पी एक्स एक्स के साथ कुछ नहीं है तो पी आ जाएगा कांस्टेंट पी है ठीक है एक्स का तो वन होता है कांस्टेंट आ गया हमारे पास पी प्लस ज़ीरो अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दी हमने पी एक्स की माइनस आर अपॉन एक्स से ऐसे ही क्यू से फिर आर अपॉन एक्स की पी से एस की पी से अब जब इनको सोल्व किया ना एक्स से एक्स कट हो गया बचा माइनस पी आर अपॉन एक्स यहाँ से हमारे पास है माइनस क्यू आर अपॉन एक्सक्वेयर ये बचा प्लस पी आर अपॉन एक्स स्क्र प्लस पी एक्स ये दोनों आपस में कट हो गए ये बचा हुआ आंसर नाउ द सेकेंड सम इज डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें सोल्व करना है इसको भी वाई इज इक्ल टू एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस वन अपन एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन डिफ्रेंशिएट करेंगे ये एज इट इज वी का डेरिवेशन माइनस वी एज ठीक है इसमें देखो हाँ ये आप ये डिवाइड वाले शुरू हो गए हैं इसमें क्या करेंगे ये डेरिवेशन जो होता है हमारे पास डिनोमिनेटर जो है उसका स्क्वेयर ठीक है जिसको हमने यू बाय वी मानते हैं वी को एज का स्क्वेयर फिर वी एज इट इज यहाँ वी ही ले सकते इसमें ये नहीं है कि यू को लेना है इसमें वी आएगा हमारे पास ये वाला जो डिनोमिनेटर में है वो एज इट इज फिर ऊपर वाले का डेरीवेशन माइनस फिर ये वाला दे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर का डेरीवेशन अब देखो एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन इन टू एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स का क्या हो जाएगा एक्स का स्क्र का हो गया टू एक्स थ्री एक्स का हो गया प्लस थ्री माइनस ये एज इट इज इसका हो गया टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन अब हम क्या करेंगे इसकी टू एक्स से मल्टीप्लाई कर दी ठीक है एक्स स्क्र की मल्टीप्लाई कर दी पहले इससे फिर इससे फिर इससे इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी इसमें ध्यान रखना है थोड़ा सा बाहर माइनस है इसलिए अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे सारे फिर ये आपस में जितने कटने हैं कट गए लास्ट में हमारे पास ये यह बचा यहाँ से जैसे एक्सक्र माइनस सिक्स एक्सक्यर प्लस एक्स प्लस फोर एक्स एक्स टू एक्स हो गया टू एक्स स्क्र में से माइनस फोर सिक्स माइनस करेंगे तो माइनस फोर एक्स प्लस फोर फोर कॉमन आ गया ये बच गया वन माइनस एक्स अपॉन दिस नेक्स्ट है आपके पास इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव टू एक्स प्लस वन प्लस थ्री देखो इसको क्या करेंगे अपो प्लस है अपोन में तो पहले हम सोल्व कर लेते हैं अपॉन में ठीक है जैसे हमारे पास न्यूमिनेटर में भी हो सकता है डिनोमिनेटर में भी लेकिन हमें तो होल स्क्वायर करना है इसलिए हमने क्या किया इसको सॉल्व कर लिया पहले एक्स की मल्टीप्लाई इससे कर ली टू एक्स प्लस एक्स हो गया फाइव से की फाइव टू जरा टेन फाइव एक्स प्लस थ्री ठीक है टू एक्स स्क्र टेन और वन इलेवन एक्स प्लस फाइव और थ्री एट ठीक है डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो गया टू एक्स स्क्र प्लस इलेवन एक्स प्लस एट का होल स्क्र ये एज इट इज इसका डेरीवेशन माइनस ये एज इट इज इसका डेरीवेशन ठीक है तो टू एक्स स्क्र प्लस इलेवन एक्स प्लस एट तो एज इट इज थ्री एक्स का थ्री का क्या हो जाएगा थ्री टू का तो जीरो लिखने की नहीं है माइनस ऐसे इसका टू टू इट इज है टू एक्स हो जाएगा इसका एक्स स्क्र का फोर एक्स प्लस इलेवन एट का जीरो है इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दी सॉल्व किया ये हमारा आंसर आ गया नाउ द थर्ड पार्ट इज वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन इसमें भी डिवाइड वाला है यू बाई भी सॉल्व करेंगे सिंपली ये इसका स्क्र ये एजिट इज न्यूमिनेटर का डेरिवेशन माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेशन एक्स क्यर प्लस वन ये बन गया फोर एक्स क्यू माइनस एक्स की पावर फोर प्लस वन एक्स स्वर का बन गया टू एक्स ये आ गया इनकी आपस में मल्टीप्लाई की सॉल्व किया सिंपली वी विल गेट द आंसर नाउ द फोर्थ पार्ट इज वाई इज इक्वल टू रूट एक्स अपोन रूट एक्स प्लस वन देखो इसमें रूट एक्स है कुछ पजल होने की नीड नहीं है हमें रूट एक्स का मीनिंग होता है एक्स की पावर वन बाय टू ऐसे इसमें एक्स प्लस वन है इसकी पावर वन बाय टू होल पावर ये इसका स्क्वेयर ये एज इट इज इसका डेरीवेशन माइनस ये एज इट इज इसका डेरीवेशन अब देखो स्क्र रूट से रूट तो कट जाएगा बचा क्या एक्स प्लस वन अब इसको सोल्व करेंगे रूट एक्स प्लस वन इन टू एक्स की पावर वन बाई टू है तो वन बाय टू रूट एक्स माइनस वन हो जाएगा ये क्योंकि एक्स रू इसकी पावर माइन वन बाई टू माइनस वन करेंगे तो माइनस वन टू बन रही है वो अपॉन में आ जाएगा माइनस ये एज इट इज़ इसमें क्या आएगा वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस वन अब हमने क्या किया इनका एलसीएम ले लिया यहाँ से देखो टू भी है दोनों में है रूट एक्स प्लस वन ये माइनस वन है अब यहाँ से क्या हो गया हमारे पास जब इनको सॉल्व करेंगे रूट एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई हो गई एक्स प्लस वन माइनस ऐसे इसमें एक्स माइनस वन बनेगा जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो रूट से रूट कैंसिल हो गया बचा क्या x माइनस वन बाहर माइनस है इसलिए यहाँ प्लस वन आ गया x से x कट हो गया ये बचा टू अपॉन टू रूट एक्स प्लस वन रूट एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ये इससे कट हो गया तो यहाँ से क्या बचा यहाँ से बचा हमारे पास वन अपॉन एक्स प्लस वन रूट एक्स प्लस वन रूट एक्स माइनस वन ठीक है एक्स माइनस वन तो अकेला है वन बाई टू है उसकी पावर ये दोनों मिला के बन जाएगा वन प्लस वन बाय टू थ्री बाय टू नेक्स्ट है आपके पास वाई इज इकल टू थ्री एक्स स्क्र माइनस टू अपॉन एक्स स्क्र प्लस सेवन तो हम क्या करेंगे इसका स्क्र अब ये एज इट इज इसका डेरिवेशन माइनस ये एज इट इज इसका डेरिवेशन जो हमारे पास एक्स स्क्र प्लस सेवन थ्री एक्स स्क्र माइनस थ्री टू जा सिक्स एक्स हो गया माइनस ये एक्स स्क्र माइनस टू एज इट इज एक्स स्क्र का टू एक्स हो गया अपॉन में दिस इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी ऐसे इस इसकी इससे इसकी इससे ये आ गया हमारे पास फोर्टी टू और फोर फोर्टी सिक्स एक्स अपॉन दिस ये हमारा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स पार्ट है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन अपॉन एक्स स्क्र प्लस सेवन एक्स प्लस वन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स सिम्पली एज इसका होल स्केयर ये एज इट इज़ ठीक है इसका डेरीवेशन माइनस ये एज इट इज इसका डेरीवेशन सिंपली सॉल्व करेंगे आप आंसर आ जाएगा अदरवाइज स्क्रीन शॉट लेके डर आप कर सकते हैं अपना चेक नेक्स्ट है वाई इज इक्ल टू टू एक्स क्यूब प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस वन इसमें भी आप क्या करेंगे सिंपली इसका होल स्क्वायर ये एज इट इज इसका डेरीवेशन माइनस ये एज इट इज इसका डेरीवेशन ठीक है एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस वन इसका हो जाएगा सिक्स एक्स ये एज इट इज एक्स स्क्र का टू एक्स माइनस फोर अपॉन में दिस इनकी मल्टीप्लाई कर ली सोल्व किया सिंपली ये आंसर आ गया नेक्स्ट एल एडवाइज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट एक्स अपॉन रूट ए माइनस रूट एक्स अब ये इसका होल केयर एज इट इज होल केयर ये एज इट इज इन इसका डेरिवेशन न्यूमिनेटर का माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज अब डिनोमिनेटर का डेरिवेशन हो जाएगा देखो रूट ए माइनस रूट एक्स ये एक का क्या बन गया जीरो रूट ए का जीरो हो जाएगा रूट एक्स का हो गया वन बाय टू रूट एक्स माइनस ऐसे ही रूट ए प्लस रूट एक्स और इसका क्या हो गया जीरो माइनस वन बाय टू एक्स अपॉन में दिस अब रूट ए माइनस रूट एक्स अपॉन टू एक्स प्लस ऐसे इसमें देखो यहाँ माइनस और ये वाला माइनस प्लस करके लिख दिया रूट ए प्लस रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स अपॉन में दिस अब देखो दोनों में टू रूट एक्स टू रूट एक्स है तो टू रूट एक्स हमने यहाँ रख लिया ये आ गया रूट ए माइनस रूट एक्स प्लस रूट ए प्लस रूट एक्स ये इससे कैंसिल बचा टू रूट ए अपोन में टू रूट एक्स रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्केयर टू से टू कट हो गया बचाइए रूट ए रूट एक्स दिस ये हमारा आंसर आ जाएगा रूट ए रूट एक्स रूट ए माइनस एक्स होल स्केयर नेक्स्ट इज नाइंथ पार्ट है इसका लेट वाई इज इकल टू टू अपॉन एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्केयर अपॉन थ्री एक्स माइनस वन इसमें क्या करेंगे इसको सेपरेट सेपरेट डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले को अलग इस वाले को अलग अपोन में है एक्स प्लस वन होल स्केयर एक्स प्लस वन एज इट इज़ टू का जीरो हो जाएगा माइनस टू इन टू एक्स का क्या हो जाएगा वन माइनस ऐसे इसमें थ्री एक्स माइनस वन होल स्केयर है थ्री एक्स माइनस वन एज इट इज़ एक्स स्केयर का हो जाएगा टू एक्स माइनस एक्स स्केयर एज इट इज टू थ्री एक्स माइनस वन का हो जाएगा थ्री ठीक है इनकी इसके इसको जीरो हो गया माइनस टू अपॉन दिस आया यहाँ से सॉल्व करके यहाँ से आया थ्री टू जै सिक्स एक्स स्क्र माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स में दिस तो ये सिक्स माइनस थ्री थ्री एक्स स्क्र माइनस टू एक्स अपॉन दिस इनको सोल्व करके हमारा ये आंसर आया नाउ द टेंथ इज वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिफ्रेंशिएट किया तो इसका होल स्क्र ये एज इट इज इसका इंटीग्रेशन डेरिवेशन माइनस ये एज इट इज इसका डेरिवेशन आ, आ गया हमारे पास टू पी एक्स प्लस क्यू ठीक है आपस में मल्टीप्लाई किया सॉल्व किया सिंपली ये आंसर आ गया हमारे पास नेक्स्ट इज नेक्स्ट भी सेम है इसका इलेवेंथ पार्ट है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये होल स्क्र बन गया ये एज इट इज इसका डेरीवेशन ये एज इट इज इसका डेरीवेशन देखो ये एज इट इज है ए और टू एक्स बन गया एक्स स्क्र का तो टू ए एक्स प्लस बी हो गया सी का लिखने के नहीं है जीरो हो गया था उसका ये एज इट इज ऐसे इसमें टू बी एक्स बन गया ये प्लस क्यू आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया सिंपली लास्ट में हमारा ये आंसर आ जाएगा लास्ट में क्या होगा एक्स क्यार एक्स क्यर वाले में से एक्स क्यर कॉमन आ जाएगा फिर इनमें से टू एक्स कॉमन आ जाएगा एक्स वालों में से और बाकी बच जाएगा वो हमारा एज इट इज लिखेंगे नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन इज इफ एफेक्स इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस वन फाइंड डेरीवेशन इफ़ एक्स इज इक्वल टू वन देखो इसका अंदर मीनिंग क्या है एफ ये तो है डेरिवेशन और जो वन है इसका मीनिंग है हमें डेरिवेशन में वन पुट करना है डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स प्लस वन होल स्क्र एक्स प्लस वन एज इट इज़ इसका डेरिवेशन रूट एक्स का मीनिंग है एक्स की पावर वन बाई टू माइनस रूट एक्स एज इट इज फिर इसका डेरिवेशन अब हमारे पास हो गया एक्स प्लस वन ये बन जाएगा वन बाई टू एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन माइनस रूट एक्स एक्स का डेरीवेशन वन और वन का हो जाएगा जीरो एक्स प्लस वन होल स्क्र एक्स प्लस वन यहाँ से आ गया वन बाय टू रूट एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन दिस अब हमने क्या किया इसमें और इसमें दोनों का एलसीएम ले लिया तो ये बन गया टू रूट एक्स ये एज इट इज़ एक्स प्लस वन माइनस ये क्या बन जाएगा टू एक्स रूट एक्स की रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो गया और टू है हमारे पास टू एक्स अपॉन टू रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस वन होल्स के अब माइनस टू एक्स और एक्स बन गया माइनस एक्स प्लस वन अपॉन टू रूट एक्स इंटू एक्स प्लस वन होल्स के अब हमें एक्स के प्लेस पर वन पुट करना है यहाँ वन पुट करेंगे माइनस वन प्लस वन अपॉन टू रूट वन वन प्लस वन होल्स केयर माइनस वन और वन जीरो हो गया तो इसलिए हमारा जो नीचे सॉल्व किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है जीरो ही हमारा आंसर हो जाएगा सिंपली नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन इफ वाई इज इक्वल टू एक्स अपोन एक्स प्लस फोर शो दैट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्ल टू वाई इंटू वन माइनस वाई इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले u बाई वी का फॉर्मूला लगेगा वी स्केयर वी एज इट इज u का डेरीवेशन माइनस यू एज इट इज वी का डेरीवेशन तो यहाँ पर x प्लस फोर एक्स की का डेरीवेशन हो जाएगा वन माइनस एक्स एज इट इज और x का हो जाएगा हमारे पास डेरीवेशन वन अपोन एक्स प्लस फोर होल स्केयर वन से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस फोर माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर होल स्केयर एक्स से एक्स कट यहाँ से आ गया फोर अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्केयर अब जो हमें प्रूव करना है एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास फोर अपोन एक्स प्लस फोर होल स्केयर इज इक्वल टू वाई के प्लेस पर हमारे पास है एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर इंटू वन माइनस वाई है एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर अब हमने क्या किया इसका एल्शियम लिया एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फोर माइनस एक्स ये इससे कैंसिल हो जाएगा फोर अपॉन एक्स प्लस फोर और यहाँ पर है एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर फोर के एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर यहाँ पर भी यही गिवन है हमें लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ दैट्स ऑल अबाउट टुडे थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स